सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल है पहला रोजा। अभी हमें जाना है एपीएमसी पे, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में सब लोग रोजा रहते हैं। तो अभी मार्केट को जाएंगे, थोड़े वहां से फ्रूट वगैरह लाएंगे। तो चलो पूछते हैं सुमन को क्या क्या लाना है और क्या नहीं लाना है बोल के। अभी तुम्हारा काम खत्म हुआ है ना? अभी शुरू होता है। तो चलो तुम्हारे काम में लग जाओ, मैं मेरे काम में लगता हूँ। अभी मेरा काम क्या है पता है? अभी जो है कल से पहला रोजा शुरू होता है और आज रहेगा पहला तरावी। अभी कल तो सब लोग शहरी करेंगे और सब लोग रोजा रहेंगे। तो अभी रोजा रहने के लिए और शहरी करने के लिए मैं क्या क्या लेकर आऊँ? केले। तो चलो केले लूंगा। और क्या लेना है? तरबूज, कलंगड़ा, बिस्किट बन। अभी जो आप बोल रहे हो, इफ्तारी के लिए है शहरी के लिए है? दोनों को भी होता है जी। तो चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मस्त बात है। और तमन्ना, तुम्हें रोजा रहना है या नहीं रहना है? तमन्ना क्या करना है? तमन्ना को लगी है प्यास। तमन्ना को बहुत ही प्यास लगी है, तो तमन्ना ढूंढ रही है पानी। तमन्ना बैठो गाड़ी पे। हाँ वो भी आएगी मुन्ना। तो चलो चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है हमारे सायनगर का रोड। अभी रोड का काम चला है, नहीं मुन्ना? अभी कम से कम रोड का काम शुरू हो के 2-3 महीना हो गया है। नजदीक में 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया है। तो दोस्तों अभी जो हम जा रहे हैं एपीएमसी को, ये शॉर्टकट रोड है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए दो रोड है, एक मेन रोड और एक शॉर्टकट रोड। अभी हम जा रहे हैं शॉर्टकट रोड पे। तो ये देखो दोस्तों, ये है एपीएमसी का मार्केट, जो कि अभी हम आए हैं कलंगड़ा लेने के लिए, यानी तरबूज लेने के लिए। और ये है तरबूज का मार्केट। मुन्ना कैसे है तरबूजा? जबरदस्त है और एक नंबर है, जो कि इस दुकान के मालक है, यहाँ पे बैठे है। अभी हमने यहाँ पे ले लिए। कहाँ पे? गाड़ी में। और ये जो है इनके असिस्टेंट बोलूँ या इनके दोस्त बोलूँ, मुझे तो भाई है ना। और चलो अच्छी बात है। और दोस्तों ये जो है एपीएमसी का बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह सब कुछ बेचते हैं। और यहाँ से लेकर जाके बहुत सारे लोग दुकान पे बेचते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है। और यहाँ पे हर रोज मॉर्निंग में मार्केट चलता है। क्या होना चलिए। और दोस्तों यहाँ पे है बहुत सारे पाइनएप्पल, और यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं मुन्ना? तरबूज। हाँ। अभी हमने जो लिया है उसको भी बोलते हैं तरबूज और उसको भी बोलते हैं तरबूज। तरबूज तरबूज बोल के तुम कितने नाम रखोगे? तरबूज उसको बोलते हैं कलंगड़ा, और तरबूज और क्या बोलते हैं, वाटर मिलियन इंग्लिश में। और यहाँ पे है बहुत सारे फ्रूट्स, पपाया। और यहाँ पर भी पपाया, हिंदी इंग्लिश कनाडा और पपाया। और ये जो है हमारे है दुकान के बैक साइड। और दोस्तों यहाँ पे है बहुत सारे फ्रूट्स। होना यहाँ पे केले कहाँ हैं? यहाँ पर भी केले है और वहाँ पर भी केले है। हमें चाहिए है मुन्ना पके हुए केले, तो चलो लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ से ले लिए केले। मुन्ना कितने हैं ये? दो अढ़ाई डजन है। अढ़ाई है, दो है, अढ़ाई है ना, दो के ऊपर हाफ। तो चलो अच्छी बात है। तो चलो दोस्तों अभी हमने यहाँ से ले लिए फ्रूट, अभी हम जाएंगे दुकान पे। मुन्ना क्या करेंगे दुकान पे जाके? चिकन लेना है, चिकन लेना है। मॉर्निंग में शहरी के लिए मुन्ना बहुत सारे आइटम्स लेने हैं। अभी तो हमने ले लिए ओनली फ्रूट्स, अभी जाके लेंगे चिकन। तो ये आ गए हम चिकन शॉप पे। अभी यहाँ से लेंगे 1 kg चिकन और चलेंगे घर पे। क्या हो मुन्ना? नहीं बैठ रहा है? लो लो इसको, लाओ इसको लाओ, मैं पकड़ता हूँ, टेंशन मत लेना। चलो तमन्ना। और मुन्ना ये क्या है, परोठे? ये रेडीमेड परोठा है। रेडीमेड परोठा कैसा है ये? केटी ये जाको तवे में फ्राई करके खाने का बस, ज्यादा क्या टेंशन है। परोठे लेने से मेहनत कम लगती है। सौकर है। और ये जो है चिकन सेंटर के ओनर है।
तो अभी हमने यहाँ से चिकन भी ले लिए, अब चलेंगे घर पे, है ना मुन्ना? तो चलो चल जाए, बैठो तमन्ना, तमन्ना आराम से बैठो। तो अभी हम चलेंगे सीधे घर पे और अच्छे से चिकन बनाएंगे और मॉर्निंग में करेंगे शेयरिंग। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मुन्ना उनके घर पे, मुन्ना उनके घर पे जाएंगे और ये तरबूज वहाँ पे देंगे और चलेंगे हमारे घर पे। और यहाँ पे कर रही है सोफिया टेलरिंग का काम। अभी ये क्या है? ब्लाउज है। हमारे घर में जो है हर कोई मेहनत करने पे ही निर्भर करता है, जो कि हमारे भैया की बेटी है, चार लोग, चारों लोग बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू। और ये जो है हमारे भैया की सबसे छोटी बेटी है। तो सुपिया कल से रोजा शुरू है, अभी रोजा करना है या नहीं करना है? इंशाल्लाह करना चाहे। तो चलो अभी देखो, हमने अभी शहरी के लिए मार्केटिंग किया है, थोड़े फ्रूट्स वगैरह लिए है, तो अभी जा रही है घर पे। नहीं मैं चलता हूँ। सुमन जी हा? तुमने बोला था सब्जी लाने के लिए, लेकिन वहाँ पे सब्जी नहीं था, तो नहीं था सब्जी वहाँ पे नहीं था। और मैंने लाया है 1 kg चिकन और केले और यहाँ पे है तरबूज। अभी अभी क्या लाना है? बन लाना है और क्या लाना है? बिस्किट, बन और बिस्किट लाना है, बस इतना ही ना। और ये क्या है? ऊपर का चिल्ला नीचे आया है, गैस खाली हुआ है। तो चलो रमजान की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई है, अभी खाना पकेगा चिल्ले पे। ऐसे तो हमें चिल्ले पे खाना बनाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर रेसिपी इस चिल्ले के ऊपर ही बनाते हैं और इस चिल्ले से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये चिल्ला जो है कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, नहीं जी? तो इस चिल्ले की ज़रूर तारीफ करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे घर में गैस खाली हुआ है, तो अभी हम जो है खाना बना रहे है इस चूल्हे के ऊपर, जो कि दोस्तों अभी जो ये हम खाना बनाने वाले है ये हम बना रहे है शहरी के लिए, नहीं जी? ये आज हम बना रहे हैं शहरी के लिए, और इसमें जो है आधा चिकन हम काट के रखेंगे अभी रात में खाने के लिए, और शहरी करने के लिए इसमें अलग काट से अलग से काट के रखेंगे, नहीं जी? तो चलो अच्छी बात है। तो अभी रेसिपी के साथ बताएंगे या नहीं बताएंगे? रेसिपी साथ ही बनाएंगे। और सुमन जी और एक बात मेरी अच्छे से सुनो, दो लोगों ने कमेंट किया है, दो लोगों ने मतलब हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे सब्सक्राइबर देखो हमें रिश्तेदारों से दोस्त से कोई कम नहीं है, रिश्तेदारों से और दोस्त से बढ़ के है हमें सब्सक्राइबर। और दो लोगों ने कमेंट किया है, वो क्या कमेंट किए पता है? हमारे घर में जो है हर बार सालन जो है चिकन का सालन खास करके ग्रीन ही रहता है, वो पूछ रहे हैं कि रेड क्यों नहीं रहता है बोल के। ऐसे तो कोई बात नहीं है, आप क्या बोलना चाहेंगे? वो सालन में उनको बहुत पसंद है, ग्रीन सालन। तो ऐसी बात है, जो हमारे अम्मी को पसंद है हम ज्यादातर वही काम करते हैं। हमारे अम्मी को ग्रीन का सालन यानी ग्रीन सालन बहुत पसंद है, इसीलिए हम बनाते हैं ग्रीन सालन। तो आज बनाओ रेड सालन। तो चलो बनाना शुरू करो। अच्छे से धोए है ना? हाँ जी। साबुन शैम्पू डाल के? नहीं जी, पानी हाँ? डाल को टच। पानी डाल के? नहीं जी, ये पानी डालने से अच्छे से साफ नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ? देखो एक बार साबुन और शैम्पू लगा के ट्राई करो। लेकिन नहीं जी, मैं मजाक किया। तो अभी जो है ये सालन बनेगा सुबह शहरी के लिए और रात में खाने के लिए भी। हाँ, बनाओ बनाओ। अभी इसे मसाला मिक्स करेंगे जी। तो डालो मसाला, मसाला ला 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 ला। लाल मिर्ची चटनी जी। लाल मिर्ची का चटनी है। और देखो आज का जो सालन है ये बनना चाहिए रेड, क्योंकि दो सब्सक्राइबरों ने हमें कमेंट किया है आपके घर में सालन ग्रीन ही क्यों रहता बोल के, हल्दी। तो दोस्तों आज तो हम ये रेसिपी के साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है, सभी मसाला डाल कर रखेंगे जी। तो चलो अच्छी बात है, आप जो ना थोड़ा मसाला कम ही डाला करो, क्योंकि ज्यादा मसाला डालने से खाने में टेस्ट और अच्छा नहीं लगता है। आप होइलो बोलते हो और डालते हो दबा दबा के।
डालो 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 तो खाए स्वाद में अच्छा लगता। लेकिन क्या करें, आप जो भी बनाते हो ना वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप उतने प्यार से बनाते हो। प्यार के सामने कोई चीज कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, दही? अभी इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। हाथ से निकला दो, हाथ से कलाओ, हाथ से कलाएंगे तो अच्छे से मिक्स होता है, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। देखो ये देखो कितने अच्छे से मिक्स होता है। कुछ चीज रहते हैं वो हाथ से करने में ही अच्छे लगते हैं, और कुछ चीज रहते हैं उसको हाथ से नहीं किया जाता। अम्मी तुम्हें सलना पका रहे, अब्बा जी कहते हैं तरबूज काट रहे। तो अभी जो है सानिया इसको खाएंगे खाना खाने के बाद। अरे कितना बड़ा था ना ये, इसको काट के मैंने छोटा करा है, और आधा है फ्रिज में। हाँ फ्रिज में है तो ओके। खाएंगे मॉर्निंग में, हाँ शेयरिंग करने के वक्त, और इसको खाएंगे खाना खाने के बाद अभी। हाँ ओके पापा। पापा हाँ? आपने 11 बाउल में भाया है ना? हाँ डाला है, इसको रखेंगे अभी फ्रिज में सानिया। हाँ चलिए रखेंगे तो कोल्ड हो जाएगा, खाने में मजा आएगा। ओके हाँ क्या करना है देखा? फ्रिज में पहले थोड़ा जगह बनाओ। काली हाँ, इसमें रखना। खाना खाने के बाद इसको खाएंगे। अरे आप तो इसको आइसक्रीम भी बनाने लगे। हमारे घर में तरबूज वाला आइसक्रीम, उसको दो यहाँ पे। हमारे घर में नाइट डिनर के बाद होगा वाटरमेलन आइसक्रीम। सुबह सैरी को बिस्किट और अंडे ले आने के लिए अब हम जा रहे हैं दुकान। अभी तो हमने मॉम्स मैजिक बिस्किट ले लिया है, अभी यहाँ पे लेंगे अंडे। अभी यहाँ ले लिए अंडे तो अभी जाएंगे घर। तो ये देखो दोस्तों, अभी जो है टाइम 4:10 हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे सब लोग उठे हैं, यहाँ पे तमन्ना उठी है, और यहाँ पे सुमन जी उठी है, और सानिया सोई हुई है अभी तक। सानिया रोजा रहेगी या नहीं रहेगी? तो चलो, तो घर के सारे बच्चे उठ चुके, और यहाँ पे ब्रश, सबसे पहले ब्रश से दांत साफ करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी ब्रश करो जी। अभी हाँ मुझे भी ब्रश करके कम से कम हो गया है 10 मिनट, और तमन्ना को हो गया है ये घंटा। हाँ तमन्ना तुम्हें ब्रश किए हो अभी कितना टाइम हुआ है? एक घंटा हुआ है ना? एक घंटा हुआ है ना? देखो सबसे फास्ट है तमन्ना। और देखो कितना सारा अंधेरा है, जिनको रोजा रहना है वही लोग उठे हैं बस। देखो अंधेरा ही अंधेरा है, और यहाँ का जो है लाइट ना जाने कब आएगा, इसको कब अच्छे से रिपेयर करेंगे कुछ पता नहीं है। तमन्ना फटाफट से खाना का टाइम हो रहा है। ठीक है पापा। अभी जो है दोस्तों सब लोगों का खाना पीना खत्म हुआ है, तो अभी करते हैं रोजा की नियत। करेंगे हाँ जी। अभी पानी वगैरह पीना है? नहीं नहीं। तो चलो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा असुमु गद्दलक फगफिरली माकद्दमतु वमा आखिरतु। इसका मतलब समझ दो, यानी ऐ अल्लाह मैं रोजा रहता हूँ सिर्फ तेरे लिए, तू मेरे अगले और पिछले गुनाहों को बख्श दे।